बिहार बाढ़ से प्रभावित 10वीं पास बुजुर्ग ने बना दी पानी पर चलने वाली साइकिल। इस इन्वेंशन के लिए एक लाइक तो बनता ही है। सैदुल्लाह कहते हैं कि करीब 45 साल पहले की बात है, 1975 में बिहार में बाढ़ आ गई। ये 3 हफ्तों तक रही। नदी पार करने के लिए उन्होंने गांव और शहर में एक साइकिल का इस्तेमाल किया। तब उनके दिमाग में ये ख्याल आया कि वो क्यों न ऐसी साइकिल बनाए जो जमीन के साथ ही पानी पर भी आराम से चले। उन्होंने इसे विकसित किया। क्या दिमाग लगाया इस इंसान ने, पसंद आया तो कमेंट में बताए। इस साइकिल को इस्तेमाल कर उन्होंने पहल घाट से महेंद्र घाट तक गंगा पार की। इस पर उनका 6,000 रुपए का खर्च आया था। साइकिल का निर्माण तो उन्होंने महज 3 दिन में ही कर दिया। इसमें रेक्टेंगुलर एयर फ्लोट था जो साइकिल को तैरने में मदद करता है। ये 2 जोड़ी में था और पीछे के पहियों में। साइकिल को जमीन पर चलाने के लिए फ्लोट को फोल्ड भी किया जा सकता है। बाढ़ के दौरान इस साइकिल के सहारे उन्होंने बहुत लोगों की मदद की, उन्हें मंजिल पर पहुंचाया। इस साइकिल का नाम बच्चे बच्चे की जुबां पर था। समय के साथ मोहम्मद सैदुल्लाह ने कुछ बदलाव कर इसकी लागत कम की। सैदुल्लाह अब इसे केवल 3,000 रुपए में भी बना सकते हैं। दोस्तों, हम इस बुजुर्ग को और इसकी सोच को सलाम करते हैं। अगर आप भी इसकी मेहनत को सफल बनाना चाहते हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए शेयर करें, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।